नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों UPTET 2019 के विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चूंकि आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इसी वीडियो में बताऊँगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है और किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि गलत होने पर संशोधन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। रजिस्ट्रेशन को पहले समझ लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें, जो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो UPTET 2019 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ये किस वेबसाइट पे मिलेंगे? DLED की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन आवेदन, या तो आप किसी भी वेबसाइट से जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों ये 20 नवंबर तक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आज के पेपर में आप यदि आपने पढ़ा होगा तो पूरी तरीके से बता दी गई है। कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिसको मैं अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। एक चीज़ इन्होंने स्पष्ट कर दी है, अधूरे आवेदन इस बार निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष भी रिकॉर्ड आवेदन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 22 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 17 लाख जो है आवेदक थे। इस बार लगभग 20 से 22 लाख जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय सबसे पहली बात यह है कि संशोधन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। पहले पूरी तरीके से डिटेल एक पन्ने पर पूरी तरीके से नोट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। और इस बार ये क्लियर किया गया है कि फॉर्म भरते समय सर्वर डाउन होने की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की दोस्तों बात करें तो www.updlet.gov.in पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दोपहर 4 बजे से इन्होंने बताया है कि शुरू हो जाएंगे इसकी वेबसाइट पर। अभी आपको ले चलेंगे, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताएंगे। फिलहाल संशोधन का आपको मौका नहीं मिलना है और वेबसाइट भी बदल दी गई है। पिछली बार की वेबसाइट नहीं है, DLED की जो वेबसाइट है उस पे से आवेदन की जो है समस्या शुरू होगी। बड़ी संख्या में आवेदन के कारण सर्वर की समस्या ना हो, इसके लिए इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लें और फॉर्म का डिटेल जो भी है उसको देख लें, उसके बाद ही फॉर्म करें भरें। क्योंकि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फीस सबमिट कर देंगे, उसके बाद अगर कोई गलती होती है तो दोबारा से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि पहला फॉर्म आपका निरस्त माना जाएगा, जो अंतिम फॉर्म आप भरेंगे वही अंतिम फॉर्म जो है आपका मान लिया जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से आप लोग जो है पूरी तरीके से इसमें सावधानी बरतें। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को क्या ध्यान रखना है। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षरयुक्त फ़ोटो ही अपलोड करें, यानी जो फ़ोटो अपलोड होगा वो हस्ताक्षरयुक्त अपलोड होगा। आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। आपका भरा हुआ आवेदन ही अंतिम माना जाएगा। फाइनल सेव के बाद इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। यदि आप उसको फाइनल सेव कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। लिहाजा पंजीकरण करने के बाद उसका प्रिंट अवश्य ले लें, यानी जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसका प्रिंट आपको लेना है और उसमें अंकित सभी प्रविष्टियों का मिलान करें। यानी यदि आप रजिस्ट्रेशन कर दें तो रजिस्ट्रेशन में जितनी भी प्रविष्टियां आपने भरी हैं उनका मिलान करें, उसके बाद ही जो है फीस सबमिट करें, क्योंकि फीस सबमिट करने के बाद वो वापस नहीं होगी। उसमें अंकित सभी प्रविष्टियों का मिलान करें, इसके बाद ही फाइनल सेव बटन दबाएँ। आवेदन करते समय जिस मोबाइल नंबर का उल्लेख करें उसे अपने पास रखें। शपथ पत्र को सबमिट करने के लिए इसी नंबर पर OTP आएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है, दो करता है या तीन करता है, तो उसका जो अंतिम आवेदन होगा, यानी जो अंतिम बार उसने आवेदन किया है, वही मान्य करते हुए बाकी सभी संशोधनों सभी फॉर्मों को जो है नष्ट कर दिया जाए, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर पत्रक जो मिलेगा उस पर रफ काम करें, रफ काम बुकलेट पर नहीं करना है। उत्तर पत्रक के नीचे कॉलम में हल किए गए प्रश्नों की संख्या इस बार उल्लेख करना जरूरी है, यानी जो भी आपकी आंसर शीट मिलेगी उस पर सबसे नीचे कॉलम दिया रहता है कितने प्रश्न आपने किए। पिछली बार बहुत से अभ्यर्थियों का छूट गया था, लेकिन इस बार छूटना नहीं चाहिए।
और आपके हस्ताक्षर भी होने जरूरी हैं। पेंसिल का उपयोग आपको नहीं करना है, काले पेन का उपयोग करना है। अब दोस्तों चलते हैं DLED की वेबसाइट पर, देखते हैं वो वेबसाइट किस तरीके से दिखती है और कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे। तो दोस्तों ये है यूपी DLED की वेबसाइट, आप देख सकते हैं updled.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो यूपी टेट रजिस्ट्रेशन का जो है फ्लैश चल रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल गाइडलाइन ऊपर अवेलेबल हैं, चाहें तो उसको PDF डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी रहेगी ये सब पूरी PDF में अवेलेबल है, और गाइडलाइन जो दी गई है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर के वो भी क्लियर कर दी गई है कि कितने KB का जो है आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, फोटोग्राफ भी सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका सिग्नेचर है वो कितने KB का होना चाहिए, ये गाइडलाइंस इसमें क्लियर कर दी गई हैं। अब अगर स्टेप की बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रिंटआउट लेकर के मिलान ज़रूर कर लीजिएगा, फिर वेरीफाई रजिस्ट्रेशन एंड फिन क्वालिफिकेशन। फिर रजिस्ट्रेशन को आप वेरीफाई करेंगे, OTP आएगा, OTP से जो है रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा। फिर उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन भरनी होगी, अपडेट पासवर्ड एंड FAPI, आपको जो है पासवर्ड को अपडेट करना होगा, और उसके बाद फीस जमा करनी होगी। फिर उसके बाद कंप्लीट करस्पोंडेंस एड्रेस, यानी जो एड्रेस आपका होगा उसको कंप्लीट करना होगा Step 4 में। Step 4 करने के बाद अपलोड स्कैंड फोटो एंड सिग्नेचर भरने होंगे। उसके बाद जो 6th step है डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म थोड़ा डिटेल में भरा जाना है, तो इसको बहुत ही कायदे से भरें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से क्लिक करके आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वेरीफाई रजिस्ट्रेशन करना है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप वेरीफाई करेंगे। फिर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपको होगा BTC BEd या NTT जो भी उसमें दिया है DLED, उसको आपको भरना होगा। यहाँ से क्लिक करके जो है आप उसको फिल कर पाएंगे। अपडेट पासवर्ड और फेयर रजिस्ट्रेशन फीस, उसके लिए अलग से लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप जब एड्रेस भरेंगे तो उसका लिंक अलग है, और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का लिंक अलग है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरा जाना है, और छोटे छोटे स्टेप्स में भरा जाना है, तो इसको भी गलत बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे तो जाएंगे ही। एक बार आपका गलत फिल हो गया, गलत कौन सी चीज़ें बिल्कुल फिल नहीं होनी चाहिए, आपका नाम है, आपका फादर नेम है, आपकी मदर नेम है, और साथ ही साथ जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत ही मायने रखती है, जेंडर बहुत ही मायने रखता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी गलत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है, चाहे BTC का हो, चाहे BEd का हो, चाहे DLED का हो, वो भी आपको सही सही भरना होगा। फिर उसके बाद फाइनल प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ध्यान रहे ये प्रिंट आउट गायब नहीं होना चाहिए, आपको डबल कॉपी इसकी रखनी चाहिए। अगर डेट की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 20 नवंबर है, यानी कि 20 दिन का बीच में टाइम है। और सबमिट अगर फीस जमा करने की बात करें तो 21 नवंबर तक आप फीस जो है जमा कर सकते हैं। और कंप्लीट फॉर्म की अगर बात करें तो 22/11 यानी 22/11 तक आपको फॉर्म पूरी तरीके से फिल कर देना है। तो दोस्तों चाहें तो आप जो है इसकी गाइडलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये 6 step जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस समय, ये आपको बिल्कुल भी इनमें गलत नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पूरी तरीके से चेक कर लेंगे, छानबीन कर लेंगे, उसके बाद ही आगे स्टेप में बढ़ेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन गलत होता है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको भी देख लें, उसकी प्रविष्टियाँ मिला लें अपने डॉक्यूमेंट्स से, उसके बाद ही उसको वेरीफाई करें। एक बार मोबाइल नंबर से अगर वेरीफाई हो गया तो फिर उस मोबाइल नंबर से दोबारा वेरीफाई नहीं होगा, यानी कि फिर आपको मोबाइल नंबर भी बदलना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी प्रविष्टियों का मिलान जरूर कर लें, उसके बाद ही वेरीफाई करें। फिर अपना पासवर्ड अपडेट करें, अपने हिसाब से पासवर्ड लिख लें, और उसके बाद फीस जमा करें। फिर कंप्लीट एड्रेस वाला फॉर्म भरें, अपलोड इस फोटो और सिग्नेचर करें, उसके बाद जो है डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर खुलने की बात करें तो आज शाम 4 बजे से जो है ये पूरी तरीके से वेबसाइट काम करने लगेगी। क्लिक करेंगे तो सीधे आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर पहुंचेंगे। एक बार आप वेबसाइट के बारे में आपको मैं फिर से बता दूं, आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख सकते हैं updled.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर के साइट आप चेक कर सकते हैं, और जो गाइडलाइंस दी हैं उनको डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि
उसमें पढ़ना आपको क्या है, बहुत सी बेसिक्स जानकारी हैं कि क्या उसमें फिल करना है, साथ ही साथ जो फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर के जो चीज़ें हैं, कितने केबी का होना चाहिए, सिग्नेचर फ़ोटो में फ़ोटो के ऊपर होने चाहिए या नीचे होने चाहिए, ये भी पूरी तरीके से उसमें डिटेल दिया गया है। ये भी आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करना है, उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, कितने केबी का हो सकता है वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आप रजिस्ट्रेशन पर जा करके एक बार पूरी प्रविष्टियाँ चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करें, फिर प्रिंटआउट ले लें, प्रिंटआउट लेने के बाद ही आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, तब आपके लिए जो है थोड़ी सुविधा रहेगी और फॉर्म गलत होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस कि यूपीटेट का किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो सावधानियाँ हैं ये आपको जो है ध्यान में ज़रूर रखनी है, क्योंकि एक बार फीस आपकी जमा होगी, क्योंकि इस बार 100 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये जहाँ पड़ते थे वहाँ दोनों फॉर्म के लिए 1200 रुपये पड़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो सावधानी बरते, अवेयर रहे इन सब चीज़ों को लेकर के, ताकि उसे दोबारा फॉर्म ना फिल करना पड़े। दोस्तों उम्मीद है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, ये सही वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करते रहिए, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस महीने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, मनोविज्ञान, हिंदी, साथ ही साथ पर्यावरण के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में, पर्यावरण की प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट में बहुत सारी यूपीटेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।